नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। पहली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। यहां पर डीयू और जेएनयू के दो प्रोफेसर्स पर हत्या की साजिश का केस दर्ज किया गया है। जगदलपुर के तोंगपाल थाने में ग्रामीण सोमनाथ की हत्या के मामले में डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और जेएनयू के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, सीपीआई के नेता संजय पराते समेत बाकियों पर केस दर्ज किया गया है। मृतक सोमनाथ की पत्नी ने थाने में केस दर्ज कराया। पत्नी ने इन सभी पर हत्या की साजिश का शक जताया है। नक्सलियों ने आधी रात को सोमनाथ की हत्या की थी। दरअसल तोंगपाल थाना क्षेत्र के कई गांव के लोगों ने फैसला किया था कि वो नक्सलियों का साथ नहीं देंगे। अब इस फैसले के बाद गांव के कई पूर्व नक्सलियों ने सरेंडर किया था। साथ ही गांव वालों ने एक टंगिया नाम से एक ग्रुप बनाया था। अब इस ग्रुप से नक्सलियों के बीच खलबली मच गई। सोमनाथ टंगिया गुर के जो ये ग्रुप था उसके कोर ग्रुप के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण नक्सलियों ने सोमनाथ की हत्या कर दी। सोमनाथ के घर वाले वही आरोप लगा रहे कि नक्सली कह रहे थे कि नंदिनी सुंदर के समझाने पर तुम नहीं माने, अब सजा भुगतो। अब इसके बाद नक्सलियों ने सोमनाथ की हत्या कर दी और सोमनाथ की पत्नी गई थाने, केस दर्ज किया डीयू और जेएनयू के दो प्रोफेसर्स के खिलाफ और इसके अलावा सीपीएम के एक नेता के खिलाफ। विस्तार से मामले को भी बता देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर पर हत्या का केस दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर पर केस दर्ज हुआ है। जेएनयू के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद पर भी केस दर्ज हुआ है। ग्रामीण सोमनाथ की हत्या के बाद सोमनाथ की पत्नी ने केस दर्ज कराया। तोंगपाल में नक्सलियों के खिलाफ बने टंगिया नाम का सदस्य ये था। सोमनाथ के घर वालों का आरोप है कि नक्सलियों ने नंदिनी सुंदर का नाम लिया था कि उनके समझाने पर यह हत्या की गई। नंदिनी सुंदर द्वारा तुम नहीं समझे तो इसलिए अब हम तुम्हारी हत्या कर रहे हैं, तुम अपने अंजाम तक जाओ। ये नक्सलियों ने हत्या करने से पहले सोमनाथ को धमकी दी थी, जैसा कि घर वाले बता रहे हैं सोमनाथ के। इसीलिए उनकी पत्नी ने जाकर जगदलपुर थाने में केस दर्ज कराया। डीएनयू के जेएनयू और डीयू के दो प्रोफेसर्स का इसमें नाम सामने निकल कर आ रहा है। अविनाश हमारे सहयोगी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। पूरा मामला क्या है, जेएनयू और डीयू इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या आरोप सोमनाथ की पत्नी लगा रही है? देखिए, मई माह में वहां पर जब जेएनयू के प्रोफेसर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक दौरा था कुमा कुलिंग के गांव में, उसी गांव में जहां पर उस ग्रामीण की हत्या हुई है, उस दौरे के बाद वहां पर ग्रामीणों निकल करके दरभा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ग्रामीणों ने कहा था कि ये जो प्रोफेसर है नंदिनी सुंदर और अर्चना प्रसाद, इन्होंने पुलिस के खिलाफ और नक्सलियों के समर्थन के लिए इनको भड़काया था। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उसके बाद लंबे समय तक मामला चलता रहा और अब कुछ दिनों पहले परसों रात को नक्सलियों ने आकर के सोमनाथ की हत्या कर दी। इस वारदात के बाद ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोशित हो गए हैं और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये जो हत्या हुई है ये डीयू के प्रोफेसर और ये जितने भी इनकी जो टीम आई हुई थी इनके कहने पर ही ये हत्या नक्सलियों ने की है। तो अब इन्होंने जाकर के तोंगपाल थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ये जो दल आया हुआ था जिसमें डीयू के प्रोफेसर और सारे लोग थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर रही है। अच्छा, धन्यवाद पूरा अपडेट देने के लिए।